पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खास मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी के रूप में जानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से 2000 और 500 के 20 करोड़ रुपए के नोट नकद में बरामद किए गए, जिसके बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी की कथित तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की है। इन ट्वीट में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एसोसिएशन द्वारा दोषी होने का आरोप लगाया गया है। आइए जानें कौन है अर्पिता मुखर्जी और क्या है उनका टीएमसी के साथ कनेक्शन। सुवेंदु अधिकारी ने 2019 की दुर्गा पूजा की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें ममता बनर्जी, मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को शेयर कर सुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कौन है अर्पिता मुखर्जी? ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी बताया है। सुवेंदु अधिकारी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों से ये साबित होता है कि अर्पिता मुखर्जी दक्षिण कोलकाता की एक प्रसिद्ध दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अर्पिता मुखर्जी को उस दुर्गा पूजा समिति के विज्ञापनों में दिखाया गया था। फिल्मों में भी काम कर चुकी है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी ने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, हालांकि उन्होंने बहुत कम समय के लिए काम किया था। उन्होंने ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। अर्पिता सुपरस्टार प्रोसेनजीत और जीत अभिनीत बांग्ला फिल्मों में साइड एक्ट्रेस का किरदार निभा चुकी है। अर्पिता मुखर्जी इसके अलावा बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाड में भी काम कर चुकी है। ऐसा माना जाता है कि अर्पिता मुखर्जी ने कुछ बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में अभिनय किया है। दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए मंत्री से जुड़ी है अर्पिता मुखर्जी। माना जाता है कि अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए मंत्री पार्थ बनर्जी से जुड़ी है। हालांकि तृणमूल ने यह कहकर उनके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है कि बरामद धन का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी बोली पार्टी का नाम घसीटा जा रहा है। हालांकि तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने स्पष्ट किया कि बरामद धन से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। कुणाल घोष ने ट्वीट किया, जिन लोगों के नाम इस संबंध में सामने आए हैं वे समझाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि पार्टी का नाम इसमें क्यों घसीटा गया। हम उचित समय पर एक बयान जारी करेंगे। सुवेंदु अधिकारी बोले, अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ मिले हैं। सुवेंदु अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में छापेमारी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की खास सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में पड़ा मिला है। उस लिफाफे पर भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? तो यही है बंगाल का मॉडल। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदारी ने सीएम ममता पर तंज करते हुए कहा कि तो यही है इनका बंगाल मॉडल। सुकांत मजुमदारी ने कहा है कि टीएमसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि वे इस मामले में जांच के बाद बयान जारी करें। 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री पार्थ बनर्जी के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। ईडी शनिवार 23 जुलाई सुबह से ही उनके घर पर मौजूद है। ईडी मंत्री पार्थ बनर्जी के घर देर रात पहुंची थी। ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी रेड डाली है। उनके भी दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।